हाय एवरीवन, एसीओ स्कूल एग्जाम्स विद एन अकेडमी। आप 10% ऑफ में हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मनन 10 के कोड के साथ। ओके, सो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक। माय नेम इज मनन, मैं आपका मैथ्स एजुकेटर हूँ अन अकेडमी पर, एंड आई हैव ओवर 5 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। मैं बीई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी हूँ फ्रॉम 2017 बैच फ्रॉम MM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर। एंड आज आपको मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्लास 6 का चैप्टर है नंबर्स इन जनरल फॉर्म, चैप्टर नंबर 3। ओके, डिटेल में पढ़ेंगे, फुल चैप्टर पढ़ेंगे, सो डोंट वरी, मजा आएगा पढ़ने में। अपने डाउट्स कमेंट में लिखेंगे आप लोग, ताकि हमारी नेक्स्ट लाइव सेशन में हम डाउट्स ले पाएं आपके, ठीक है? तो चलिए, लेट्स स्टार्टेड। हमारे पास टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स क्या क्या है, वी विल बी लर्निंग अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, हम प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स पढ़ेंगे, हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे यहाँ पे खूब सारे, हम यहाँ पे LCM एंड HCF पढ़ेंगे, एंड वी विल लर्न प्राइम फैक्टराइजेशन। पांच चीजें पढ़ेंगे, बट बहुत डिटेल में होगा, सो डोंट वरी। ओके, फर्स्ट थिंग, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। देखो, हम हर वर्ड का मतलब तक समझेंगे और हम डीप में अंडरस्टैंडिंग लेंगे फैक्टर्स और मल्टीपल्स की क्या होती है, ठीक है? इंट्रोडक्शन क्या है इसका, एवरी नंबर इज मेड अप ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब, अरे 12 अपने आप थोड़ा बन के आया, या तो आप 1, 2, 3, 4 से 12 जाके आओ, या फिर आप 4 × 3 कर दो। 4 × 3 के अलावा क्या क्या फैक्टर है, 4 के भी 2 फैक्टर है, 2 × 2। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, 12 इज मेड अप ऑफ 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, ठीक है? 12 इज मेड अप ऑफ 2, 2 and 3। इन द सेम वे 15 इज मेड अप ऑफ 3 and 5, ये बोले जाते हैं फैक्टर्स। ये हमारा एक नंबर हो गया और ये हो गया इसके फैक्टर्स। ओके, आपने डिवीजन भी सीखा होगा, जिसके अंदर बीच में डिविडेंड, बाहर डिवाइजर, दूसरी तरफ क्वेश्चेंट और नीचे रिमाइंडर, ठीक है? आपको बताऊंगा कैसे इन फैक्टर्स को और तरीके से निकाला जा सकता है। लेट्स से चेक करते हैं कि 37 के अंदर कोई 6 का फैक्टर है या नहीं है, ठीक है? क्या करूंगा मैं, 6 × 6 = 36, ठीक है? क्योंकि अगर मैंने 6 × 7 ले दिया, इट विल बी मोर देन द, बीच के पार्ट को क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो डिविडेंड से ज्यादा हो जाएगा, वो तो लिखना होता ही नहीं है हमें, आपको पता है मतलब डिवाइड कैसे करना है, राइट? इतने कोई छोटे नहीं हुआ। 6 × 6 = 36, नीचे रिमाइंडर आया 1। क्या आप इस रिमाइंडर को रिमूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो 37 का फैक्टर 6 नहीं है। बट अगर इस रिमाइंडर को मैंने 37 में से माइनस कर दिया, मेरे पास 36 आएगा। क्या मैं 36 में डिवाइड करूं, 6 × 6 = 36, रिमाइंडर इज 0। तो यस, 36 का एक फैक्टर है 6। हाँ जी, सो हम चेक कर लेते हैं कि हमारा 336 के अंदर 7 का फैक्टर है या नहीं है। सो लेट्स सी, 7 × 4 = 28, बेसिक आप लोगों को आता है, रिमेनिंग 5, 6 नीचे उतारूंगा तो इट इज अ 56। नाउ 7 × 8 = 56, क्या रिमाइंडर 0 आया? तो 336 के अंदर एक 7 का फैक्टर है। ऐसे निकाल सकते हो आप एक फैक्टर, सिंगल फैक्टर का, कि वो है या नहीं, ठीक है? ये बहुत बेसिक तरीका है, ये बहुत लेंथी तरीका है, जैसे हम चैप्टर में एडवांस करेंगे आपको छोटा तरीका ही बता दूंगा। ओके, सो हम एक बार चेक करते हैं हमारे पास फैक्टर क्या है 16 के। क्या मेरे पास 16 2, 2, 2 और 2 से मिलके बना है, करके देख लो मल्टीप्लाई। क्या हम 16 के फैक्टर बोल देंगे 2, 2, 2 और 2, बेसिक है ये, आपको समझ आता है, यस और नो? यस, तो चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट फैक्टर इज फैक्टर ऑफ 20। आपको पता है 20 भाई 5 × 4 से मिलके बना होता है, 4 बना होता है 2 × 2 से, तो क्या 20 के फैक्टर 5, 2 और 2 हो गए? दिस इज द कंप्लीट बेसिक, मतलब बहुत छोटा सा पार्ट, फैक्टर कैसे निकालने हैं, नंबर किस किस के मल्टीप्लीकेशन से बना, छोटे से छोटा नंबर क्या हो सकता है, दैट इज द 2, 2 and 5, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन। इन द सेम वे 77, 7 × 11 से बना होता है, ये आपको समझ आ जाएगा इजीली। 45 बना होता है 9 × 5 से, बट 9 क्या है, 3 × 3 × 5, तो ये हो गया हमारा फैक्टर्स ऑफ 45, बहुत बेसिक के अंदर। नेक्स्ट थिंग हम पढ़ेंगे एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है? एक बार ग्रैप्स कर लो, कंसेप्ट ग्रैप्स पकड़ लो, किसी का नोट्स बनाने तो वीडियो पॉज करके नोट्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो पॉज करके बना लो। हम प्राइम एंड कंपोजिट नंबर पे मूव ऑन करते हैं। तो देखो, हम 12 नेचुरल नंबर्स लेंगे स्टार्टिंग के, ओके? हम हर एक नंबर के फैक्टर लिखेंगे। तो 1 का फैक्टर 1,
टू का फैक्टर टू इंटू वन, मैं वन लिख रहा हूँ, जरूरत नहीं है बट फिर भी लिखेंगे, थ्री का फैक्टर थ्री इंटू वन, फोर का फैक्टर टू इंटू टू इंटू वन, फाइव का फाइव इंटू वन। आप बोल बार बार बोलेंगे सर वन क्यों लिख रहे हो, थ्री इंटू वन से थ्री आएगा ना आंसर, वन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, एक बार पढ़ रहने दो, ठीक है, बात मान के पढ़ रहने दो, आपको समझा दूंगा क्या मतलब है। सिक्स का फैक्टर थ्री टू जा सिक्स और लास्ट में वन, सेवन का फैक्टर सेवन इंटू वन, एट होता है फोर टू जा या फिर टू इंटू टू इंटू टू इंटू वन, नाइन होता है मेरा थ्री इंटू थ्री इंटू वन, टेन होता है मेरा टू इंटू फाइव इंटू वन, इलेवन होता है इलेवन इंटू वन एंड ट्वेल्व होता है टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व। ये आ गए मेरे सारे वन से लेके ट्वेल्व तक के फैक्टर्स। ओके, अब देखना आगे, ऐसे कौन से नंबर थे जिनके अंदर फैक्टर वन या फिर उस नंबर के अलावा कोई फैक्टर नहीं था, जैसे कि 11 को देखोगे, 11 का फैक्टर क्या है, या तो खुद 11 या फिर 1, 7 का फैक्टर क्या है, खुद 7 या फिर 1, 5 का फैक्टर क्या है, खुद 5 या फिर 1, 3 खुद या फिर 1, 2 खुद या फिर 1, क्या इन पांच नंबर्स का कोई और फैक्टर नहीं है, वो खुद ही फैक्टर है या फिर 1 फैक्टर है। इन नंबर्स को बोला जाता है प्राइम नंबर, एंड इतने ही नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, मतलब कि 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको 53 के अलावा 47 के बाद में बहुत सारे फैक्टर और मिल जाएंगे, लाइक 53, लाइक 59, 61, 67, बहुत सारे फैक्टर होते हैं आगे, ऐसे प्राइम नंबर बहुत सारे मिल जाएंगे। बेसिकली जिनका खुद का फैक्टर, वो नंबर खुद या फिर वन है, वो नंबर खुद या फिर वन है, वो नंबर खुद या फिर वन है, वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब आप ये भी बोलोगे कि सर वन का भी तो फैक्टर खुद ही है, बट नहीं, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, रीजन बता देंगे आगे आपको, बट हम प्राइम के अलावा एक कंपोजिट नंबर और पढ़ते हैं, द नंबर्स विच हैव फैक्टर्स अदर देन वन एंड दैट नंबर इटसेल्फ विल बी कॉल्ड कंपोजिट नंबर। एक सेकेंड, प्राइम नंबर तो वो थे जो जिनका फैक्टर वो खुद या फिर वन था, अगर इसके अलावा एक भी फैक्टर और कोई है तो वो कहेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे कि फोर का क्या होता है, टू टू वन, वो नंबर भी है, फोर खुद भी फैक्टर दे सकते हो, बट क्या मेरा टू भी फैक्टर निकला उसका। सिक्स के अंदर थ्री इंटू टू इंटू वन होता है, क्या उसके फैक्टर थ्री और टू भी निकले, मतलब कि सिक्स को मैं थ्री से भी डिवाइड कर सकता हूँ, टू से भी डिवाइड कर सकता हूँ। एट के अंदर क्या होगा, 2 into 2 into 2 into 1, क्या मेरा 1 खुद भी फैक्टर है, 8 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 2 into 2 4 भी उसका फैक्टर है। हर एक नंबर जिसके फैक्टर मोर देन 1 या फिर वो खुद नंबर होता है, वो होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो आपके सामने दो ही टाइप के नंबर है, या तो प्राइम या कंपोजिट। प्राइम वो होंगे जिनका फैक्टर कोई नहीं है उनके अलावा, और कंपोजिट वो है जिनका मोर देन 1 और 2 फैक्टर्स है। बट वाई 1 इज नॉट there in both prime and composite, because one is neither prime nor composite, one alag count hota hai, prime alag count hote hain aur composite alag count hote hain, but main ek cheez puchna chahunga jo aapne notice shayad nahi ki hogi, ki 2 is the only even prime number out there, baki sare odd hote hain, aisa kyun? देखो मान लो 6 एक प्राइम नंबर था, बट उसका फैक्टर 2 हो जाएगा ना, इवन नंबर, हर इवन नंबर का फैक्टर 2 होता है। 8 ले लो, उसके अंदर भी एक 2 आएगा, 276 ले लो, उसके अंदर भी एक 2 आएगा, तो इसीलिए 2 इज द ओनली एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देयर इज, उसके बाद सब प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे ऑड, ठीक है। चल आगे बढ़ा जाए, फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट, हमने कंपोजिट प्राइम पढ़ लिया, हमने फैक्टर्स निकाल लिए, बट मुझे डिविजिबिलिटी रूल बता दो सर। डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, हमारे पास बहुत सारे होते हैं आपके पढ़ाने के लिए, 10, 5, 2, 4, 3, 9, 6 एंड 11, ये हम आपको आज पढ़ाने वाला हूँ, बहुत जल्दी बहुत इजी वे में पढ़ लेंगे, डिटेल के साथ, ठीक है, डिटेल के साथ इजी वे में पढ़ना जरूरी है। तो चलो, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 व्हेन देयर इज अ जीरो एट द एंड, बस इतना ही ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल 3200, ये डिविजिबल बाई 10 होगा, डिवाइड बाई 10 करोगे, 0 से 0 कट करोगे, 320 विल बी द आंसर।
क्या 320 भी डिविजिबल बाय 10 होगा? यस सर इट विल बी। बट क्या 32 डिविजिबल बाय 10 होगा? नो। इसका आंसर डेसिमल में आएगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। बट जब तक लास्ट में जीरो लगे हुए हैं तब तक वो 10 का डिविजिबल होगा। एक और चीज, 3200 इज अ डिविजिबल ऑफ 100। दो जीरो दो जीरो, ये 10 और ये 10 मिला के 100 कर दो, बात तो बराबर ही है। तो जितने जीरो उतने ही जीरो 1 के आगे लगा देना, उसका डिविजिबल है। एग्जाम्पल 4100 डिविजिबल ऑफ 10 या फिर 100 का भी। सेम 2300 भी है, 40 इज अ डिविजिबल ऑफ 10, 45000 इज अ डिविजिबल ऑफ 10, 100, 1000 और 10000, 40 40 इसका भी डिविजिबल है। 130 10 का डिविजिबल है, ठीक है ठीक है। 10 का डिविजिबल, इतना फर्जी रूल है ना, इतना फर्जी कि पता ही नहीं क्यों पढ़ते हैं, ठीक है कि पता ही नहीं क्यों पढ़ते हैं। 5 का भी उतना ही फर्जी है, 10 के लास्ट में क्या चाहिए? 0। 5 के लास्ट में 5 और 0 चाहिए, मतलब दोनों नहीं, 5 आ जाए या फिर 0 आ जाए, और लिखा है ना बीच में, और मतलब ये या फिर ये, दोनों में से कुछ भी आ जाए लास्ट में, इट विल बी अ डिविजिबल ऑफ 5। कैसे? एक बार 5 की टेबल याद करना, 5 1 5 10 15 20 25 30। देखो या 5 आ रहा है या 0 आ रहा है, या 5 आ रहा है या 0 आ रहा है। जब 5 और 0 ही आ रहे हैं टेबल में, तो भाई डिविजिबिलिटी रूल में भी तो वही चलेगा, तीनों के तीनों 5 के डिविजिबल हैं, क्योंकि लास्ट में या तो 5 है या 0 है, दैट इज द ओनली 5 का डिविजिबिलिटी रूल। इन सब नंबर्स में सबके सब 5 के डिविजिबल हैं, 5 से डिवाइड होते हैं, क्योंकि लास्ट में या तो 0 है या फिर 5 है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर 0 5 हो जाए तो, या 5 0 हो जाए तो? बेटा लास्ट नंबर देखना है, 5 या 0 है ना डिविजिबल है, कोई नहीं रोकेगा आपको, कोई नहीं डांटेगा आपको, ठीक है, कोई कुछ नहीं कहेगा, लिख देना डिविजिबल बाय 5 है। चलो अगले नंबर बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी बाय द 2। 2 का मतलब नंबर इवन होना चाहिए। इवन क्यों होना चाहिए? अभी बता देंगे यार, क्यों जल्दी कर रहे हो। तो देखो 2 4 6 8 या 0 अगर लास्ट नंबर होगा, लास्ट डिजिट अगर हमारा 2 4 6 8 या 0, मतलब कि सर स्टार्टिंग के 10 में से सारे इवन इवन निकाल लो, अगर उनमें से कुछ भी लास्ट डिजिट होगा तो हमारे पास 2 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा। 456 कैन बी डिवाइडेड बाय 2, आंसर आएगा 228। इसको डिवाइड बाय 2 करोगे 21 आएगा, इसको डिवाइड बाय 2 करोगे 39 आएगा। डिवाइड करना नहीं आता तो सीख लो, अभी एक आध क्लास में सिखा दूंगा, वरना होल नंबर में बताया बेटा, होल नंबर्स में, ठीक है ठीक है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल इवन नंबर्स में काम करता है, क्यों होता है ऐसा? 2 2 4 2 8 10 12 14 16, क्या ये 2 की टेबल है? क्या ये 2 की टेबल में लास्ट में क्या आ रहा है? 2 4 6 8 0, रिपीट 2 4 6 8 0, रिपीट 2 4 6 8 0, हर बार इन्हीं नंबर्स के लास्ट में 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल तो लगेगा ही ना। जब 2 के मल्टीप्लाई करने पे यही नंबर आ रहे हैं 2 4 6 8 0 लास्ट में, तो भाई जिसके लास्ट में ये आएगा वो डिवाइड हो ही जाएगा 2 से। कुछ एग्जांपल्स और गिवन है, ये 2 का डिवाइड करोगे तो 1728, 2 का डिवाइड करोगे तो 3371, 2 का डिवाइड करोगे तो 285, इसके अलावा 1607, इसके अलावा 22840, ये हो गए हमारे 2 के डिविजिबल्स। ओके डिविजिबल डन, 2 का रूल डन, तो फिर 4 पे आ जाते हैं। बच्चा जी लास्ट में क्या आ रहा था 2 के? 24680, राइट, लास्ट डिजिट ये होना चाहिए था 2 के डिविजिबिलिटी रूल में, तो 4 में तो और इजी है होना। 4 में और इजी कैसे है? 4 रूल के अंदर लास्ट के 2 डिजिट होने चाहिए मेरे 4 के डिविजिबल। देखो लास्ट 2 डिजिट्स, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कॉपी में लिख सकते हो नोट्स की तरह, 424, क्या 424 के लास्ट के 2 डिजिट 24 का डिविजिबल है? यस सर होता है, तो भैया 424 भी डिवाइड हो जाएगा। क्या 64 का डिविजिबल है? सर 4 1 4 एंड 4 6 24 होता है, तो 564 भी 4 का डिविजिबल है, करके देख लो भाई, मना ही नहीं कर रहा। ये देखो 4 से डिवाइड किया 106, 4 से डिवाइड किया 141, 68 भी 4 का डिविजिबल है, तो पूरा नंबर भी 4 का डिविजिबल होगा 217, सारे 4 के डिविजिबल थे, डिवाइड करके आंसर भी लिख के दे दिया आपको। जैसे कि 3 4 5 6 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से डिवाइड करने पे क्या आएगा? मैं कह रहा हूँ 56 को देख लो लास्ट के 2 डिजिट को,
क्या ये 1 और 4 देते हैं? यस सर, 4 के डिविजिबल है लास्ट के 2 डिजिट्स, तो मतलब फुल नंबर इज अ डिविजिबल ऑफ 4. 4 8 जा 32, ठीक है. क्या हो रहा है बार बार यार ये. फुल नंबर 4 का डिविजिबल कैसे पता करेंगे? 56 बाय 4, इट इज 1 एंड अ 4, तो क्या ये 4 का डिविजिबल है? यस. 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, नहीं सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई. 4 8 जा 32, 2 बचा, 2 और 5 25, 4 6 जा 24, और बचा 1 1 और 6, 4 4 जा 16. सेम नंबर, क्या 42 डिवाइड होता है 4 से? नहीं होता. ये सर 21 बाय 2 बन जाएगा. ये नंबर 4 का डिविजिबल नहीं है, करके देख लेना, नहीं निकलेगा. सेम वे ये नंबर है, ये नंबर भी है, ये नंबर भी है, तो ये फुल नंबर्स 4 के डिविजिबल है. दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4. नाउ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 पे आ जाते हैं. रूल ऑफ 3 क्या बोलता है कि भाई अगर टोटल सम ऑफ द डिजिट्स हमारे नंबर्स का अगर 3 का डिविजिबल है तो हमारा नंबर 3 का डिवाइड हो जाएगा. मतलब देखो एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ. 3 4 5 लिखा हुआ है, 3 प्लस 4 प्लस 5 कर दो, कितना आया? 7 और 5 12. क्या मेरा 12 3 से डिवाइड होता है? सर 3 4 12 होता है, तो ये नंबर भी 3 का डिवाइड होगा. 1 1 5 इसका आंसर आएगा. 6 24, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 4 12, ये भी डिवाइड होता है सर, ये भी 3 का डिवाइड हो जाएगा. बिल्कुल हो जाएगा. 8 61, मुझे नहीं पता 3 का डिवाइड होगा, बट आई विल डू 8 प्लस 6 प्लस 1, इट इज 15. 15 3 का डिवाइड होता है, तो डेफिनेटली ये नंबर भी होगा. 287 इसका आंसर आएगा. इन द सेम वे मैं ये सारे नंबर ट्राई करूंगा, तो मेरे को फर्स्ट वाले के डिजिट्स का सम बताऊंगा सिर्फ मैं 18, इसका 12, इसका 9, इसका 8 और 7 15, इसका बनेगा 21. क्या सारे 3 के डिविजिबल नंबर्स आए? यस, तो ये कंप्लीट 3 का डिविजिबल है. इसके अलावा डिविजिबिलिटी बाय 9, डिविजिबिलिटी बाय 9 क्या बोलते हैं? इफ द टोटल सम, पहले 3 के डिविजिबिलिटी में 3 का डिवाइड होना चाहिए था टोटल सम, 9 के रूल के अंदर वो 9 का डिविजिबल होना चाहिए. जैसे कि 594 में क्या है? 5 प्लस 9 प्लस 4, द सम केम आउट टू बी 18. 18 इज अ डिविजिबल ऑफ 9 और 3 भी, तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 9 से भी डिवाइड हो जाएगा. थोड़ी देर में बताऊंगा कि 6 से भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है. 261, सम टोटल 9, क्या 9 इज अ डिविजिबल ऑफ 9? यस, तो इट इज अ डिविजिबल ऑफ 9. 783 में सम कितना आएगा? 8 7 15 और 3 18, ये भी 9 का डिविजिबल है. एट द सेम टाइम दे आर ऑल अ डिविजिबल ऑफ 3, दे आर ऑल अ डिविजिबल ऑफ 3 एज वेल एज 9, ठीक है. टोटल सम निकालो, और नंबर 3 और 9 वाले केस में सम अगर 9 3 या 9 के डिविजिबल है तो वो नंबर भी पूरा उनसे डिविजिबल है. इन नंबर्स में सम निकाल लो. फर्स्ट का सम 18, सेकंड का सम आएगा यहां भी 18, थर्ड का सम 9, फोर्थ का सम 9, फिफ्थ का सम 18. सारे 9 के डिविजिबल अब डिवाइड करके देखना घर पे. एग्जाम्पल आपके होमवर्क क्वेश्चन टाइप के हैं ये वाले, अब डिवाइड करके देखो, पक्का डिवाइड होगा, ठीक है. डिविजिबिलिटी ऑफ रूल ऑफ 6, देखो 6 के फैक्टर क्या क्या थे? 3 और 2. 6 के फैक्टर अगर 3 और 2 है, तो क्या अगर कोई नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा हो और 2 से भी डिवाइड हो रहा हो, क्या वो दोनों 6 से डिवाइड हो जाएगा नंबर पूरा पूरा? देखो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, लास्ट में है ऑड नंबर. हमें क्या चाहिए था? 2 4 6 या फिर 8 या फिर लास्ट में 0, कुछ भी नहीं आ रहा. 2 का डिवाइड नहीं हो सकता, बट क्या ये 3 का डिवाइड हो सकता है? लेट्स चेक. 7 और 4 11, 11 और 6 17, और 5 22. ये ना 3 से डिवाइड हो रहा ना 2 से डिवाइड हो रहा, तो ये 6 से नहीं हो पाएगा. कॉपी में करके देखना घर पे बैठ के, ठीक है. ये नंबर लास्ट में 2 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. क्या इसका सम 18 आ गया 4 5 7 और 2 का? ये 3 से भी डिवाइड है, तो ये लो 6 से डिवाइड करके दिखा रहा हूँ. 6 7 जा 42, बचा 3 और 7 37, 6 6 जा 36, बचा 1 और 2, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12. 762 इसका आंसर आ गया. जैसे कि ये नंबर ट्राई करने जाऊंगा तो मुझे सम मिलेगा इसका, कितना आएगा? 21. ये 3 का डिविजिबल है और 8 लास्ट में लिखा है, तो ये 2 का भी डिविजिबल है, मिला के ये 6 का डिविजिबल है. आंसर निकाल लेना.
3, 1, 9 डिवाइड में 6 कितना आएगा? 6, 5 30, 1 बचा 9 बचा 3, 6, 3 18, 1 बचा 8 बचा 6, 3 18, 6 के डिविजिबल हैं। ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस, आप ट्राई करें और मुझे होमवर्क में बताना कमेंट के अंदर कौन सा वाला डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है। चलो अगले की तरफ बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल बाय 11, इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। मेरे पास एग्जांपल है 7, 4, 3, 6, 8, 7, 4, 3, 6, 8 में क्या करेंगे आप, इसके अंदर देखो फर्स्ट पोजीशन पे जाओ, 8 लिख दो अलग, प्लस थर्ड पोजीशन लिख दो अलग, प्लस थर्ड पोजीशन लिख दो अलग। मैंने क्या किया है, एक के बाद छोड़ के अगली पोजीशन लिखी है, कितना समाया इसका, समाया 18। फिर मैं नेक्स्ट क्या लूंगा, बचे हुए सारे नंबर 7 + 3 + 8, ये वाला 8, ये वाला 3, ये वाला 7, टोटल समाया 18, दोनों को कर दो माइनस, क्या मेरा जीरो आया? जीरो आया तो इट इज अ डिविजिबल ऑफ 11, जीरो आया तो इट इज अ डिविजिबल ऑफ 11। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि इवन प्लेसेस का सम माइनस ऑड प्लेसेस का सम, ये या तो जीरो आ जाए या 11, 22, 33, बेसिकली 11 का डिविजिबल आ जाए। और अगर आपने उल्टा सम कर दिया तो माइनस में भी आ सकते हैं, माइनस में भी चलेगा मुझे, माइनस में 11 का मल्टीपल आ जाए या जीरो आ जाए या प्लस में 11 का मल्टीपल आ जाए, ये हो जाएगा 11 का डिविजिबल। देख लो 11, 6 = 66, बचा कितना 8, 8 और 3 83, 11, 7 = 77, 83 में 77 माइनस किया बचा 6, 6 और 6 66, 11, 6 = 08, ये आपका आया आंसर डिवाइड करने के बाद 11 से, ठीक है। यहां भी ट्राई कर लेते हैं, 8, 1 और 1 को सम करूंगा अलग, आया 10, 4, 9 और 8 को सम करूंगा, 4 + 9 + 8, मेरे पास आया 21, क्या मैंने 21 माइनस 10 करा, मेरे पास 11 आया, 11 आ गया तो ये 11 का डिविजिबल है। दूसरे तरीके से देखो, ये रही फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन के बाद सेकंड पोजीशन देखो, ये ऑड पोजीशन, ऑड पोजीशन, ऑड पोजीशन, तो ऑड पोजीशंस को ऐड कर लिया, ये लो इवन पोजीशंस को ऐड कर लिया, दोनों को माइनस कर दिया, ऐसे तो 11 आ जाएगा। बट मान लो ये उल्टा हो जाता, आप 10 - 21 कर रहे हो, -11 आ जाता, दोनों केस में 11 का तो डिविजिबल है ही, तो इट इज अ डिविजिबिलिटी बाय 11 का रूल लग जाएगा। करके दिखा दो डिवाइड, 11, 7 = 77 बचा 4, 9 जुड़ेगा 49, 11, 4 = 44 बचेगा 5, जुड़ेगा 1, 51, 11, 4 = 44 बचेगा कितना, 44 और 51 में कितना गैप हुआ, 7 का, आगे 4 चिपका दो, 74, 11, 6 = 66 बचेगा 8, 74 माइनस 66 में 8 बचेगा, 8 के आगे 8 चिपकाओगे 11, 8 जा, ये लो आंसर। डिवाइड समझ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी में डिवाइड करके देख लो, ठीक है, आपको खुद की कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। तो ये रहे 3 होमवर्क क्वेश्चंस आपके लिए, इनमें से ट्राई करना कि तीनों के तीनों आप कर सकते हो क्या। अगर कोई डिविजिबल नहीं है तो कॉमेंट में बता देना कि दिस इज नॉट अ डिविजिबल, ओके, 11 का डिविजिबल नहीं है। आगे बढ़ा जाए LCM एंड HCF की तरफ। तो बच्चा बहुत इजी और बहुत छोटा सा टॉपिक है LCM एंड HCF के अंदर। व्हाट इज LCM? LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नहीं समझ आया, कैसे आएगा, नाम ही तो लिखा था। तो वी विल अंडरस्टैंड दिस बाय एग्जांपल। चलो 6 और 8 दिमाग में रखो, ठीक है, मैं तब तक पानी पी लेता हूं। आप 6 और 8 दिमाग में रखो और ये स्लाइड पढ़ो। जैसे कि अगर आपने फैक्टर देख लिए हो, 6 के फैक्टर आएंगे 3 और 2, 8 के फैक्टर आएंगे 2, 2 और 2, क्या 2 इज अ फैक्टर इन बोथ ऑफ देम? देखो ये रहा 2, ये रहा 2, अब दोनों नंबर्स में से एक एक लेना है, पहले बता रहा हूँ, ऐसे नहीं ये 2 और 2 लेके पेयर बना दिया, नहीं, पेयर बनाना है दोनों नंबर्स में से एक एक फैक्टर लेके। 2 दोनों में कॉमन था, कट मारो 2 लिख दो, एक 2 आ गया, बचे हुए नंबर अलग अलग थे तो उनको अलग अलग लिख दो। मैं फिर से बोल रहा हूं, इन दोनों 2 का फैक्टर नहीं बनाना, ओके। चलो क्या क्या है, 2 एक पेयर का और 3, 2, 2 अलग अलग, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 24, तो एक 24 आया इसका LCM। अब आप एक चीज नोटिस भी करोगे,
24 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। 24 6 4 भी होता है, 8 3 भी होता है, दोनों से डिवाइड होगा। एलसीएम विल ऑलवेज गेट डिवाइडेड बाय फैक्टर्स। ऑल्सो एक और चीज एलसीएम समझाने के लिए कि इट इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ द नंबर्स जिसका एलसीएम लिया गया है। इंग्लिश में तो ये लिखा हुआ है, मैथ्स में बता देता हूँ। एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 24 आया था, 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, 6 थ्री जा 18, 6 फोर जा 24 ले लिया, 8 वन जा 8 आगे लिखा हुआ है, आगे देख लेते हैं। लेट्स फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 एंड 6, बट चलो एक बार ये कंप्लीट कर देते हैं। 8 टू जा 8, 3 जा 8, 4 जा, ये देख सकते हो 24 दोनों के अंदर है। जो भी फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आएगा दैट विल बी द आंसर। चलो इस तरीके से एक बार ये देखते हैं, एलसीएम 4 एंड 6 का निकालते हैं। 4 के मल्टीपल्स क्या है, 4, 4 टू जा 4, 3 जा 4, 4 जा 4, 5 जा, मैंने सिर्फ टेबल लिखी है कुछ अलग नहीं किया। मल्टीपल्स ऑफ 6 क्या क्या है, 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, फिर 18, 24 एंड 30। फर्स्ट नंबर जो दोनों में सेम है क्या वो 12 है, क्या वो 12 है? तो यस, द 12 विल बी द एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। बाद का नंबर नहीं देखेंगे, आप ये भी बोल सकते हो 20 के बाद 24 आता है, क्या ये भी एलसीएम होगा? नो, फर्स्ट नंबर जो सेम आएगा दैट विल बी द एलसीएम। तरीका देख लिया, चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म तरीके से। 4 के फैक्टर 2 और 2, 6 के फैक्टर 3 और 2, मैंने 2 को कॉमन देखा, मैंने 2 को कट मार के 2 यहां लिख दिया। अब 2 और 3 सिंगल सिंगल रह गए, तो मैंने यहां लिख दिया 3 2 जा 6, 2 जा 12, क्या 12 इज द एलसीएम, क्या इट वॉज द एलसीएम? यस, इट वॉज द एलसीएम। एक क्वेश्चन और करा देता हूं, 12 के पहाड़ा लिखना चालू करो टेबल। 12 वन जा 12, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36, 12 फोर जा 48 एंड 12 फाइव जा 60। 15 की टेबल, 15 टू जा 15, 3 जा 15, 4 जा, मुझे मिला पहला कॉमन 60। क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं एलसीएम 60 है? बिल्कुल आप लिख सकते हैं, बट अगर आपको फैक्टर्स में जाना है तो 12 के फैक्टर होते हैं 2, 2 एंड 3, 2 टू जा 4, 3 जा 12। 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 5 इंटू 3, 5 3 जा 15। 3 कॉमन आ रहा है, मैं 3 लिख दूंगा। क्या कुछ और कॉमन है? ना 2 कॉमन ना 5 कॉमन, तो ये लो ऊपर के दोनों 2, नीचे का एक 5, 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, 20 3 जा 60 इज द एलसीएम। यहां से भी 60, वहां से भी 60, जो तरीका अच्छा लगे वो यूज करो, ठीक है। इसके अलावा एक हमारे पास HCF की टर्म भी आती है, विच इज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे हम 6 और एक फंडा बताऊं, 6 और 8 में क्या कॉमन निकाला था हमने, 4 और 6 में क्या क्या कॉमन निकाला था, ये 2 को कॉमन निकाला था ना, इसको हमने 1 लिख दिया था, यही HCF है। कैसे, वापिस से बता दूंगा। 6 और 8 के एग्जांपल पे आ जाओ, 6 के फैक्टर्स हैं 3 इंटू 2, 8 के फैक्टर्स हैं 2 2 2, इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ एक 2 कॉमन था, दोनों में है जो 2 कॉमन है, तो 2 इज द HCF। जो हम LCM में पेयर को निकाल रहे थे एक नंबर से, वो ही पेयर में से एक नंबर लिख दोगे, दैट द ओनली थिंग इज HCF। 4 और 8 का HCF क्या आएगा सर, 2 2 और 2 2 2, यहां पे ऊपर भी 2 2, नीचे 3 2, तो ऊपर के 2 ले लो, नीचे के 2 ले लो, कट मार दो, ये हो गया इसका HCF 4। LCM कितना आएगा पेयर निकालने के बाद, एक एक्स्ट्रा 2 बचता है, LCM 8, HCF 4, खत्म, इतना सा ही था, ओके? निकाल लो 15 और 12 का, कमेंट में बताना 15 और 12 का HCF कितना आएगा, 15 और 12 का HCF कितना आएगा, ये आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। मैं 44 16 का बता देता हूँ सर, 44 इज 4 इंटू 11, नहीं 4 इंटू 11 नहीं लिखूंगा मैं, मैं लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 11, 4 को भी और छोटा करना है। 16 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, बिल्कुल छोटे छोटे लिख सकते हो वो लिख दो। ये क्या है, 2 2, नीचे भी 2 2 पड़े हैं, ये लो भाई 2 2 जा 4 इज द HCF। और LCM कितना आएगा सर, ये 2 2 तो निकाल के कट मार के नीचे लिखो, इसका 11 बचता है, इसके 2 और 2 भी बचते हैं, 2 2 जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, और 11 का मल्टीप्लाई करोगे 176 इज द LCM। मैंने कुछ अलग नहीं किया, मैंने कुछ हार्ड नहीं किया, मैंने सिर्फ पेयर बना के कट मार के पेयर नीचे लिखा है,
स्टैंड अलोन 11 स्टैंड अलोन रह गया, 2 और 2 यहां रह गए, बचा हुआ टोटल मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 176 इज द आंसर। 4 HCF, 176 एलसीएम, किस किस का एक्चुअली सही आया कमेंट में जरूर बताना मुझे कि मेरा सही आया। ओके जैसे कि चलो प्राइम फैक्टराइजेशन पर बढ़ते हैं, अब लास्ट टॉपिक बचा है। प्राइम फैक्टराइजेशन नाम से पता चल रहा है, प्राइम मतलब प्राइम नंबर्स यूज करने हैं, फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर्स यूज करने हैं। ओके चलो प्राइम फैक्टर्स होते क्या हैं? ईच एंड एवरी नंबर इज मेड अप ऑफ प्राइम नंबर्स ओनली, ये तो फिक्स है, बट उन प्राइम नंबर्स को एज द फैक्टर्स निकालना बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर। जैसे कि हमको ये आता है 24 किससे बना है? सर 6 × 4 से बना है, बट 4 किससे बना है? 2 × 2 से। 6 किससे बना है? 2 × 3 से। तो अगर आप इसके फैक्टर्स को 6 × 4 लिख के आएंगे, दैट इज जस्ट द फैक्टराइजेशन। बट क्या इस फैक्टराइजेशन के अंदर सारे प्राइम नंबर्स यूज हुए हैं 2 और 3 टाइप के? तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 और 3 प्राइम है और सब प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखे गए हैं फैक्टर्स को, तो प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाएगा। जैसे कि निकालने का तरीका क्या होता है, बार लगाओ, बार लगाओ 45। 45 किस से डिवाइड हो सकता है? सबसे पहले 2 से डिवाइड हो सकता है? नो सर, इट इज एन ऑड नंबर। 3 से डिवाइड हो सकता है? सर सम कर लो नंबर्स का, 4 और 5 9 होता है, 9 इज डिविजिबल बाय 3, तो 45 इज डिविजिबल बाय 3। 3 से डिवाइड किया, 3 1 3 एंड 3 5 15, 15 भी 3 से डिवाइड होता है, 5 आ गया 1। क्या मेरे फैक्टर्स आए 3 × 3 × 5? भैया ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। कर लो मल्टीप्लाई, 3 3 9 5 45, ये 45 देगा एंड दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45। चलो 336 का और ट्राई करते हैं, ठीक है थोड़ा सा लंबा होगा बट वी विल ट्राई इट। 336 स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 2। सर इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है, 2 1 2, 2 6 12 एंड 2 8 16। वापस से 2 का डिवाइड किया, 2 8 2 4 2 का फिर डिवाइड होगा 42, 2 का डिवाइड होगा 21। सर ये तो 7 का मल्टीपल है और ये 3 का मल्टीपल है, मेरे पास आया 2 × 2 × 2 × 2, फिर 7 × 3, 2 4 बार और 7 3 बार आया मेरा, आ गया भाई मल्टीपल। 336 का फैक्टराइजेशन किया मैंने, कौन सा वाला? प्राइम फैक्टराइजेशन। छोटे से छोटा कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं छोड़ना, सारे प्राइम नंबर्स डाल दो, 2 2 2 2 7 और 3 हो गया इसका आंसर, मल्टीप्लाई कर लोगे। 4 3 2 0 का करके बता रहा हूँ, ठीक है 4 3। एक काम करो, इसको तुम कमेंट में करो, ठीक है लिखना क्या है कमेंट में, 4 3 2 0 इज इक्वल टू 2 × 2 × चलता रहेगा, 5 भी आएगा, चलता रहेगा ये, ठीक है। मैं ये पहले बता दूं, ये होने वाला है आपका 16 × 5, आगे आप निकालोगे। चलो मैं बता ही देता हूं, मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूं, 9 ठीक है आप निकाल लेना, इसके आगे भी कुछ आएगा, काम है आपका निकालना, ठीक है चलो। सो ये हो गया हमारा चैप्टर यहां कंप्लीट। जिन बच्चों पहली बार देख रहे हैं, डू शेयर द चैनल, ठीक है आपको मैं अनअकैडमी के फायदे बता देता हूँ। वी हैव अ प्लस सब्सक्रिप्शन जहां पे आप कंफर्ट से घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, आप अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हैं हमारे कोर्सेज का। हमारे पास टॉप एजुकेटर्स हैं इसी प्लेटफॉर्म पे, हमारे पास यहाँ पे रेगुलर डाउट क्लियरिंग आंसर राइटिंग सेशंस हैं। वी ऑल्सो हैव एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस, मेंटरशिप गाइडेंस, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट, बैच कोर्सेज, सब कुछ अवेलेबल है। इसके अलावा आप 1 ईयर का परचेज कर सकते हैं हमारा कोर्स 15,000 का जो है एट 13,500 बाय यूजिंग द कोड MANAN10। मैं यहां भी लिख देता हूं जस्ट टू रिमेंबर कर, याद करने के लिए 10% ऑफ मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट एट MANAN10 कोड, ठीक है। 2 ईयर का कोर्स ले सकते हैं 25,000 का, विच इज 22,500 ओनली, ओके। आप यहाँ पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं जहां पे पर्सनल मेंटोर मिल जाएगा आपको, लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस, वीकली रिपोर्ट, पेरेंट्स टीचर कनेक्ट मीटिंग्स, आपको स्टडी प्लानर एंड अनअकैडमी प्लस के सारे बेनिफिट्स, सब मिला के एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है जिसका प्राइस थोड़ा सा प्लस से ज्यादा है, बट स्टिल मच 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 लोअर देन एनी अदर टीचिंग फैसिलिटीज, ओके। 28,000 का हमारा 1 ईयर का कोर्स है, विच कैन बी बॉट एट 25,200 रुपीज,
24 months का कोर्स 48,000 rupees का, विच कैन बी बॉट एट 43,200 rupees बाय यूजिंग द कोड Manan10. ओके चलिए, इसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द क्लास. एनी डाउट्स कमेंट में डाल दो. ओके मैं नेक्स्ट लाइव सेशन में बता दूंगा आपको. लेट्स क्रैक इट बच्चों. लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने फ्रेंड्स के साथ. मैं चलता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, विच विल बी द नेक्स्ट चैप्टर. बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय.